सुहानी एक फेक स्माइल के साथ कहती है, हो भी सकता है, आपका क्या भरोसा, मुझे अपने प्यार में फंसा कर किसी और के पास चले गए होंगे। युवराज चिढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी खुद मेरे लिए ही सरप्राइज थी। ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जो उसने अभी अभी कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। युवराज फौरन सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी बिना किसी भाव के युवराज को ही देख रही थी। वो कहती है, इसका मतलब आपको सब कुछ याद है और आपने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया। युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी गुस्से से युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, काश सच में किसी ने आप पर वशीकरण किया होता, तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। ये कहकर सुहानी उठकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहानी निशा और विवेक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उन्हें पीछे से युवराज की आवाज सुनाई देती है, स्टॉप। युवराज की आवाज सुनकर वो तीनों वहीं रुक जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़ते हैं। युवराज सुहानी को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो निशा और विवेक को देखकर कहता है, और तुम दोनों के साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहेंगे। युवराज की बात सुनकर सुहानी, निशा और विवेक एक साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों? युवराज सीरियस होकर कहता है, क्योंकि तुम सबको सुसाइड करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मैं नहीं चाहता कि तुम सब फिर से किसी मुसीबत में पड़ो और मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम लोगों को ढूंढता फिरता रहूं। युवराज की बात सुनकर वो तीनों खामोश रहते हैं। वो युवराज से कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि आज वो तीनों उसकी और समायरा की वजह से ही जिंदा थे। युवराज अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी निशा और विवेक से कहती है, आज की सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर देना। निशा और विवेक हाँ में अपना सर हिला देते हैं और सुहानी वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। सुहानी युवराज के ऑफिस में बैठे अपना काम कर रही थी। युवराज ने अपने ऑफिस में सुहानी के काम करने का सारा अरेंजमेंट पहले से करवा लिया था। काम करते हुए सुहानी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे युवराज से बचकर यहाँ से निकले। कुछ सोचकर सुहानी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर जाने लगती है। ये देखकर युवराज कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी युवराज की तरफ पलटकर कहती है, मैं वो। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। सुहानी सरकास्टिक वे में कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तो चलो साथ में चलते हैं। सुहानी की बात सुनकर युवराज थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो सुहानी से नजरें हटाकर ऑफिस का फोन उठाकर कहता है, नताशा को अंदर भेजो। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अब नताशा कौन है? सुहानी ये सोच ही रही थी तभी युवराज के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। युवराज कहता है, कम इन। सुहानी भी क्यूरियस होकर दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। बाहर से 6 फीट लंबी एक लड़की अंदर आती है। उसके अंदर आते ही युवराज सुहानी की तरफ इशारा करके उससे कहता है, इसके साथ जाओ और ध्यान रहे कि ये भाग ना पाए। सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, युवराज सर, दिस इज टू मच, आप वॉशरूम में भी मेरे पीछे गार्ड्स लगा रहे हैं। युवराज कहता है, तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, और हाँ, इसके सामने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। जो तुमने 3 सालों में सीखा है उससे कई ज्यादा ये पिछले 20 सालों से करती आ रही है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी नताशा को ऊपर से नीचे देखती है और उसे देखती ही रह जाती है। नताशा किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रही थी। नताशा सुहानी को देखकर कहती है, मैम चले। नताशा को देखकर सुहानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
वो बस अपना सर हाँ में हिला देती है और युवराज को कोसते हुए वहां से चली जाती है। युवराज को भी सुहानी के साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि सुहानी उसकी बस एक गलती का इंतजार कर रही थी जिससे वो वहां से भाग जाए। सुहानी और नताशा वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। सुहानी एक नजर वॉशरूम को देखती है, वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर सुहानी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो फौरन नताशा की तरफ देखती है। नताशा को देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, अब इसे कैसे टैकल करूं? ये सोचते ही सुहानी एक कदम आगे बढ़ती है और अपने पैर मुड़ने का नाटक करते हुए कहती है, आउच! सुहानी अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। ये देखकर नताशा भी नीचे झुककर कहती है, What happened? Are you okay? सुहानी दर्द से कराहते हुए कहती है, No, I'm not okay. मुझे लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई। ये सुनकर नताशा भी नीचे बैठ जाती है और सुहानी का पैर अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैम आप ये बताइए कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है? सुहानी देखती है कि नताशा का ध्यान उसके पैर पर था। ये देखकर सुहानी फौरन अपने राइट हैंड की दो उंगलियां एक स्पेसिफिक तरीके से नताशा के गले पर रखकर मूव कर देती है। सुहानी के ऐसा करते ही नताशा वहीं बेहोश हो जाती है। नताशा के बेहोश होते ही सुहानी उछलकर खड़ी हो जाती है और एक स्माइल के साथ कहती है, लगता है युवराज सर अभी भी मुझे 3 साल पुरानी सुहानी समझते हैं। इसके बाद सुहानी जमीन पर बेहोश पड़ी नताशा को देखते हुए कहती है, 20 साल की प्रैक्टिस, युवराज सर ने बागी नहीं देखा होगा। टाइगर श्रॉफ ने कहा था, गधे और घोड़े में फर्क होता है। ये कहकर सुहानी वॉशरूम की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद सुहानी सिंघानिया मैंशन के ठीक सामने खड़ी थी। शाम हो चुकी थी इसीलिए आसपास अंधेरा होने लगा था। सुहानी अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्च बाहर निकालकर सिंघानिया मैंशन के अंदर चली जाती है। सिंघानिया मैंशन पहले के जैसे अभी भी किसी खंडर की तरह ही दिख रहा था। सुहानी बंगले के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उस बंगले का बड़ा सा दरवाजा बंद था। सुहानी थोड़ा डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दरवाजा पीछे की तरफ धकेल देती है। सुहानी के ऐसा करने पर वो दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल जाता है। दरवाजे की आवाज सुनते ही डर से सुहानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उसे निशा और विवेक की बहुत याद आ रही थी। आज पहली बार वो उन दोनों के बिना किसी काम के लिए गई थी। सुहानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस बंगले के अंदर जाने लगती है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी के हाथ में रखा टॉर्च साइज में तो छोटा था, लेकिन उससे बंगले के अंदर काफी ज्यादा रोशनी हो रही थी। कुछ ही पल में सुहानी बंगले के लिविंग एरिया तक आ जाती है। वो टॉर्च की रोशनी से अपने बंगले के अंदर को बड़े गौर से देख रही थी। कई सालों से बंद होने की वजह से वहां हर जगह धूल और मकड़ी का जाल फैला हुआ था। सुहानी अंदर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी सुहानी को वो डायरी याद आती है जिसे उसकी मम्मी ने उसे दिया था। ये सोचते हुए सुहानी खुद से कहती है, मम्मी ने जब वो डायरी मुझे दी थी तब मैं किस रूम में थी? इसका मतलब मुझे उस वक्त के अपने बेडरूम को ढूंढना होगा। ये कहते ही सुहानी एक एक करके ग्राउंड फ्लोर के सभी रूम्स को चेक करने का डिसीजन लेती है। सुहानी बंगले के एक सिरे के कमरे से शुरू करती है। उस कमरे के अंदर जाकर सुहानी वहां की दीवारों को बड़े गौर से देखने लगती है। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और उसकी दीवारों पर भी कोई तस्वीर नहीं लगी थी। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, मैंने सपने में जो रूम देखा था उसकी दीवार पर मेरे बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर थी। इसका मतलब ये मेरा रूम नहीं है। सुहानी उस रूम से बाहर आ जाती है। इसी तरह सुहानी बाकी के दो कमरों को भी चेक करती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद सुहानी अगले कमरे की तरफ बढ़ती है।
वो देखती है कि उस कमरे के बाहर एक लाल धागा लगा हुआ था। उस धागे को देखकर सुहानी कहती है, ये धागा कैसा है? क्या मुझे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए? सुहानी कमरे के बाहर उस धागे को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कुछ सोचने के बाद सुहानी आगे कहती है, नहीं, वैसे ही यहाँ बहुत खतरा है, मुझे और कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर पूरे घर में कुछ नहीं मिला तो मैं लास्ट में इस रूम को चेक करूंगी। ये कहकर जैसे ही सुहानी आगे बढ़ती है, उसका हाथ थोड़ा पीछे चला जाता है, जिससे सुहानी की घड़ी उस धागे में फंस जाती है और वो धागा सुहानी के साथ आगे चला जाता है। सुहानी काफी जल्दी में और डरी हुई थी, इसीलिए उसे इस बात का एहसास नहीं होता। इसके बाद सुहानी फिर से एक कमरे के अंदर जाती है। अंदर जाकर जैसे ही वो टॉर्च सामने फोकस करती है, उसे दीवार पर उसके बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसे उसने सपने में देखा था। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी कुछ देर के लिए वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना इस हद तक सच हो सकता था। इसके बाद वो टॉर्च से पूरे कमरे को देखने लगती है। उस जगह को देखकर सुहानी को कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वो जगह काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सब देखकर सुहानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जो मौका आज उसके हाथ लगा है, वो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और उस डायरी को ढूंढने लगती है, जिसे अवंतिका ने उसे कई साल पहले दी थी। कुछ ही देर में सुहानी वो पूरा कमरा छान लेती है, लेकिन उसे वो डायरी कहीं नहीं दिखाई देती। वो इरिटेट होकर उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। सुहानी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो फौरन बेड की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी बेड के सिरहाने के पास जाती है और वहाँ मैट्रेस को उठाकर उसके नीचे देखती है। मैट्रेस के नीचे वही डायरी रखी थी। उस डायरी को देखकर हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि वो डायरी वहीं पर है। सुहानी फौरन वो डायरी अपने हाथ में ले लेती है और टॉर्च की रोशनी से उसे देखने लगती है। फाइनली सुहानी को अब वो मिल गया था जिसके लिए वो इतना खतरा उठाकर सिंघानिया मेंशन आई थी। सुहानी क्यूरियस होकर उस डायरी को ओपन करती है। डायरी के फर्स्ट पेज में महेश, अवंतिका और सुहानी की एक फैमिली फोटो थी। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। सुहानी ने आज पहली बार अपनी कोई फैमिली फोटो देखी थी। सुहानी उस फोटो को देख ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगती है। वो किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज थी। वो आवाज सुनकर सुहानी के मन का डर, जिसे उसने अब तक कंट्रोल करके रखा था, वो बढ़ने लगता है। वो आवाज सुहानी के ठीक सामने से आ रही थी। सुहानी टॉर्च सामने फोकस करके वहां देखने लगती है। सामने कुछ भी नहीं था, बस एक दीवार थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है। सुहानी उस दीवार को गौर से देखते हुए कहती है, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन डर के मारे सुहानी आगे कुछ नहीं कह पाती। तभी वो देखती है कि उस दीवार से किसी का पैर बाहर आ रहा था। सामने का सीन देखकर डर से सुहानी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो इस वक्त जोर से चीखना तो चाह रही थी, लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सुहानी के पैर उसी जगह पर जम गए थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर कौन आ रहा है दीवार से बाहर? क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहिए। कुछ ही देर में उस दीवार से दूसरा पैर बाहर आ जाता है और अगले ही पल सर के साथ वो चीज बाहर आ जाती है, जिसे सुहानी ने सपने में देखा था। वो चीज सुहानी से कुछ ही दूर खड़ी थी और सुहानी डर से कांपते हुए उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वो चीज हवा की स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ जाती है। ऐसा होते देखते ही
सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। सुहानी अब बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ देर तक सुहानी बिल्कुल उसी तरह से खड़ी रहती है और फिर अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर धीरे धीरे आंखें खोलती है। सुहानी के आंखें खोलने के तुरंत बाद उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सुहानी डर से चीखते हुए पीछे पलट जाती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि वहाँ एक लड़का खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। सुहानी डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम? पीछे खड़ा लड़का सुहानी की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़के को नॉर्मली बात करते देख सुहानी थोड़ा रिलैक्स होती है। उसे समझ आ जाता है कि वहाँ एक नॉर्मल लड़का खड़ा है। सुहानी का कोई जवाब ना देते देख वो लड़का फिर से कहता है, तुम ठीक हो? तुम इतना डर क्यों रही हो? अब सुहानी को लग रहा था कि जो भी अभी हुआ वो सिर्फ उसका भ्रम था, ना कि हकीकत। वो खुद को नॉर्मल करते हुए उस लड़के से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे अचानक आने से थोड़ा डर गई थी। सुहानी उस लड़के को गौर से देखने लगती है। वो लड़का सुहानी की ही उम्र का था। उसने कैजुअल जीन्स टी शर्ट पहना था। उसका रंग गोरा और बाल कर्ली थे। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेरा नाम अभिज्ञान है। और ये कहते हुए वो खामोश हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, और? अभिज्ञान नर्वस होकर कहता है, मैं एक राइटर हूँ। सुहानी हैरानी से अभिज्ञान को घूरते हुए कहती है, राइटर? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिज्ञान कुछ सोचते हुए कहता है, वो मैं हॉरर स्टोरीज लिखता हूँ। मैंने इस सिंघानिया मेंशन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए एक स्टोरी ढूंढने यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम तो मुझे राइटर नहीं लगती, तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लोग कहते हैं ये जगह हॉन्टेड है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सुहानी कहती है, ये घर मेरा ही है। अभिज्ञान हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या ये घर तुम्हारा है? इसका मतलब तुम यहाँ रहती हो? ये कहकर अभिज्ञान उस कमरे को अजीब सी नजरों से देखता है। सुहानी उसे समझाते हुए कहती है, नहीं मैं यहाँ नहीं रहती, मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। अभिज्ञान की नजर सुहानी के हाथ में रखी डायरी पर जाती है। उसे देखते हुए अभिज्ञान कहता है, और लगता है कि जो तुम ढूंढ रही थी वो चीज तुम्हें मिल गई। सुहानी अभिज्ञान के सवाल का जवाब नहीं देती। वो बस कंफ्यूजन के साथ इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। कुछ देर पहले युवराज ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहा था। सुहानी को गए हुए आधा घंटा हो गया था। युवराज को अब उस पर शक होने लगता है। वो फौरन अमित से कहकर सुहानी को लेडीज वॉशरूम में चेक करने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद अमित भागते हुए युवराज के ऑफिस के अंदर आता है। अमित का चेहरा देखकर ही युवराज समझ जाता है कि जरूर फिर से कुछ गलत हो गया है। युवराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर कहता है, क्या हुआ? अमित सुहानी के भाग जाने से पहले ही काफी डरा हुआ था। उसके ऊपर से युवराज का गुस्सा देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। अमित डरते हुए युवराज से कहता है, सर नताशा वॉशरूम में बेहोश पड़ी है और सुहानी मैडम वहाँ नहीं है। अमित का जवाब सुनकर युवराज बिना कुछ कहे गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं सुहानी यही सोच रही थी कि अभिज्ञान के सवाल का क्या जवाब दे। तभी उसे युवराज की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारते हुए उसे ही ढूंढ रहा था। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी घबरा जाती है और उस डायरी को देखने लगती है। सुहानी को डर लग रहा था कि अगर युवराज ने उसे यहाँ देख लिया तो वो सुहानी से उस डायरी को छीन लेगा और सुहानी वो बात कभी नहीं जान पाएगी जो बात अवंतिका उसे बताना चाहती थी।
सुहानी का परेशान चेहरा देखकर अभिज्ञान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो सुहानी से कहता है, लगता है कि तुम उस इंसान के सामने आना नहीं चाहते। सुहानी परेशान होकर कहती है, हाँ वो मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा, लेकिन मैं कैसे? ये कहकर सुहानी खामोश हो जाती है। अभिज्ञान उसी स्माइल के साथ कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। सुहानी अभिज्ञान पर शक करते हुए कहती है, तुम? लेकिन कैसे? मैं इस जगह पर अपनी स्टोरी ढूंढने के लिए काफी दिनों से आ रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे यहाँ की एक एग्जिट के बारे में पता चला, जो हमें यहाँ से सीधे जंगल की तरफ ले जाएगी। अभिज्ञान आगे कहता है, चिंता मत करो, तुम शहर से ज्यादा दूर नहीं जाओगी, लेकिन यहाँ किसी की पकड़ में आने से जरूर बच जाओगी। अभिज्ञान की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। वो किसी भी कीमत पर इस बार वो डायरी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर युवराज को इस डायरी के बारे में कुछ भी पता चला तो वो इसे सुहानी से ले लेगा। सुहानी यही सोच रही थी कि तभी उसे युवराज की आवाज फिर से सुनाई देती है। युवराज बेचैन होकर सुहानी को ढूंढ रहा था। सुहानी अभिज्ञान को देखकर कहती है, चलो। अभिज्ञान सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। सुहानी बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लेती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अभिज्ञान सुहानी को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इस वक्त युवराज बंगले के दूसरे हिस्से में सुहानी को ढूंढ रहा था। अभिज्ञान सुहानी को लेकर उसी कमरे में चला जाता है जहाँ से तहखाने का रास्ता था। उसी तहखाने में 4 साल पहले सुहानी निशौर विवेक ने सना को ढूंढा था। उस कमरे के अंदर आकर अभिज्ञान तहखाने का दरवाजा खोल देता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी को वो जगह याद आ जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन ये तो एक तहखाना है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अभिज्ञान तहखाने के अंदर जाते हुए कहता है, मेरे साथ आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सुहानी के पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अभिज्ञान के पीछे पीछे जाने लगती है। पूरे बंगले की तरह तहखाने के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वो दोनों सुहानी के हाथ में रखे टॉर्च की हेल्प से रास्ता देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हुए सुहानी कहती है, तुमने अपने साथ टॉर्च क्यों नहीं रखा है? अभिज्ञान कहता है, टॉर्च तो रखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो खराब हो गया और फिर मुझे कमरे से रोशनी दिखाई दी, उसी रोशनी का पीछा करते हुए मैं तुम तक पहुंच गया। सुहानी अभिज्ञान की सारी बातों से कन्विंस होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों तहखाने के अंदर आ जाते हैं। वहां आते ही सुहानी कहती है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अभिज्ञान हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर सब्र जैसी कोई चीज नहीं है। ये सुनकर सुहानी अपना मुंह बना लेती है। अभिज्ञान सुहानी के साथ एक कोने में चला जाता है। वहाँ एक काला कपड़ा लगा हुआ था। अभिज्ञान उस कपड़े को हटाकर सुहानी से कहता है, देखो ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। सुहानी सामने देखकर हैरानी से कहती है, क्या ये कोई दरवाजा है? अभिज्ञान जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी चलो। ये कहकर अभिज्ञान वो दरवाजा खोल देता है और सुहानी के साथ उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उस दरवाजे के अंदर एक सकरा सा रास्ता था जिसके अंदर अभिज्ञान और सुहानी चल रहे थे। सुहानी को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि सिंघानिया मेंशन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुहानी ने अभी भी अभिज्ञान का हाथ पकड़ा हुआ था और अभिज्ञान के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे सुहानी नहीं देख पा रही थी। सुहानी को अंदाजा भी नहीं था कि युवराज की बात ना मानकर उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कुछ ही देर में वो सकरा रास्ता खत्म हो जाता है और सुहानी अभिज्ञान के साथ वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सुहानी हैरानी से अपने चारों तरफ देखकर कहती है, हम तो सच में जंगल के अंदर आ गए, तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला? अभिज्ञान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं काफी टाइम से सिंघानिया मेंशन में घूम रहा था,
मुझे कोई भूत तो नहीं मिला, लेकिन वो तहखाना और ये रास्ता मिल गया। सुहानी कहती है, तुम्हें शहर का रास्ता तो पता है ना? अभिज्ञान एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। सुहानी आगे बढ़ते हुए कहती है, तो फिर ठीक है चलते हैं। सुहानी और अभिज्ञान एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ युवराज ने सुहानी को पूरे सिंघानिया मैंशन में ढूंढ लिया था, लेकिन सुहानी उसे कहीं भी नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते हुए युवराज उस तहखाने के अंदर भी जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां से बाहर जाने का भी कोई रास्ता हो सकता है। इसीलिए युवराज तहखाने में सुहानी को ढूंढकर वापस चला जाता है। युवराज सुहानी को ना पाकर पूरी तरह से परेशान हो गया था। पहले उसे लगा था कि सुहानी उसे सिंघानिया मैंशन में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब युवराज के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, जो उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे। इसके ऊपर से बार बार उसके फोन पर निशोर विवेक का कॉल आ रहा था। रात हो चुकी थी और सुहानी के अब तक घर न पहुंचने की वजह से वो दोनों भी काफी परेशान हो गए थे। इधर सुहानी और अभिज्ञान उस घने जंगल में चल रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती है, तुमने तो कहा था कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, आधा घंटा हो गया है, हम अब भी जंगल में हैं। अभिज्ञान कहता है, क्योंकि तुम बहुत धीरे चल रही हो, वैसे भी हम काफी हद तक पहुंच चुके हैं। अपने आसपास देखो, अब जंगल पहले से कम घना है, इसका मतलब हम बाहर की तरफ बढ़ रही हैं। बस 5 मिनट और फिर तुम रोड पर होगी। अभिज्ञान इतना ही कह पाया था, तभी उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अभिज्ञान के साथ साथ सुहानी को भी सामने कोई दिखाई देता है, लेकिन काफी दूर होने की वजह से सुहानी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। वो आदमी धीरे धीरे सुहानी और अभिज्ञान की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर अभिज्ञान की पकड़ सुहानी के हाथ पर और भी मजबूत हो जाती है। कुछ ही देर में वो आदमी सुहानी के पास आकर रुक जाता है। उस आदमी का चेहरा देखते ही हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके सामने विक्रम राठौर खड़ा था, जो एक डेविल स्माइल के साथ सुहानी को देख रहा था, और अभिज्ञान गुस्से से विक्रम को घूर रहा था। विक्रम उसी स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, क्या हुआ सुहानी सक्सेना, अपने हस्बैंड से इतना जल्दी दिल भर गया कि तुमने अपना पार्टनर ही बदल लिया? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। विक्रम की बातें सुनकर सुहानी को भी गुस्सा आने लगता है। वो विक्रम को घूरते हुए कहती है, अपनी हद में रहो। विक्रम कहता है, इस वक्त तुम्हें इस लड़के के साथ देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हद जैसा शब्द तुम्हारे लिए है? वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अब मुझे तुम तक पहुँचने के लिए उस युवराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए विक्रम अपना हाथ सुहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। इससे पहले कि सुहानी विक्रम को रोकती, अभिज्ञान विक्रम का हाथ पकड़ लेता है। अभिज्ञान के ऐसा करते ही विक्रम के चेहरे की स्माइल हैरानी में बदल जाती है और वो अभिज्ञान को एक तक देखने लगता है। क्या होने वाला है सुहानी के साथ? अभिज्ञान दोस्त है या दुश्मन? क्या बच पाएगी सुहानी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।